कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट दी, क्योंकि जो अवैध कॉलोनाइजर है अधिकतर जो कॉलोनी है या आपके जो सपनों का आवास है वो आपको कृषि भूमि पर ही दे रहे हैं, यानी जो खेत खरीदते हैं उसके बाद में उसको कॉलोनी के अंदर डेवलप कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बुरहानपुर में लगातार तकरीबन 200 जो अवैध कॉलोनी है प्रशासन ने चिन्हित कर इन पर कुछ दिन पहले कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब कार्रवाई के बाद में ये जो पूरा मामला है ठंडे बस्ते में पहुंच गया है। ऐसी एक शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कुछ नागरिक पहुंचे, जहां पर कॉलोनाइजर ने कदम रसूल नाम की कॉलोनी के अंदर नागरिकों को जो सुविधाएं देने का वादा किया था, अब उन नागरिकों को उन सुविधाओं से वंचित रखा है। इसको लेकर जो है शिकायतकर्ता कलेक्टर से शिकायत की। क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता का, सुनवाएंगे आपको। गणपति नाम कॉलोनी के पीछे कदम रसूल कॉलोनी शिकायत ये लेके आए हैं कि बिलाल ब्रोकर ये दोनों ने वहाँ पे जो है तो लोगों को परेशान कर रखा है। कॉलोनी मालिक ने जो है तो नाली बनाने के लिए पैसे दिया था, मैं नाली का काम करवा रहा था तो उसने नाली बनाने नहीं दिया और बोले जिसकी कॉलोनी है उसको यहाँ बुला के लाने, तब तीनों चारों को अंदर करवा। दिक्कत उसको ये जा रही है कि ये बोलता है हमारी ज़मीन है, अरे KGP सीमेंट रोड टूटना नहीं चाहिए। तो सुना आपने क्या कहा है शिकायतकर्ता ने, किस तरीके की उनकी शिकायत थी। जब इस मामले में हमने बुरहानपुर कलेक्टर परवीन सिंह से बात की है तो क्या कुछ उनका कहना पड़ा है, सुनिए। अभी एक कॉलोनीवासी शिकायत दी है कि वहाँ पर जो है उनकी नाली का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है और कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी, इसलिए MPP जो है उनको टेम्परेरी कनेक्शन देने का कनेक्शन नहीं दिया। शिकायत के लिए संज्ञान लिया है, दोनों पक्षों से बात करके विभाग से बात करके। तो सुना आपने क्या कहना पड़ा है बुरहानपुर कलेक्टर परवीन सिंह का। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे BNC न्यूज़ के साथ।